आदरणीय बंधुओं, माताओं, वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत के पांचवें दिन माँ भगवती के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ भगवती की कृपा से संतान सुख बढ़ता है, वे माँ की कृपा से मनुष्य के प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। माँ भगवती के पांचवें स्वरूप में स्कंद माता अवतरित हुई, इसलिए नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा कर उपासक भगवती की प्रियता को पाकर अपने लिए मोक्ष के द्वार खोल लेता है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ का यह रूप वात्सल्य प्रेम से भरा हुआ है। माँ अपने इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय जी इनके पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये स्कंद माता कहलाती हैं। देवी स्कंद माता ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। स्कंद माता को देवी गौरी और महेश्वरी के नाम से भी पुकारा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये पार्वती कहलाई। भगवान शिव की अर्धांगनी होने के कारण ये महेश्वरी और गौरवरण होने के कारण इन्हें देवी गौरी भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता के मुखमंडल की आभा भक्तों को तेज प्रदान करने वाली व उनके कष्टों को हरने वाली है। माँ की सवारी सिंह है, ये चार भुजाओं से सुशोभित हैं। माँ भगवती के दो हाथों में कमल का फूल व एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ है तथा एक हाथ द्वारा ये अपने पुत्र स्कंद को धारण किए हुए हैं। माँ का अपने पुत्र स्कंद के नाम द्वारा जाने जाना पुत्र के प्रति माँ के प्रेम को दर्शाता है। जो माँ के इस स्वरूप की पूजा प्रेम भाव एवं श्रद्धा पूर्वक करता है, माँ उस पर अपने पुत्र की भांति प्रेम लुटाती है। माँ का ये स्वरूप कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। जब जब संतों पर कष्ट आता है, दानवों का अत्याचार बढ़ता है, माँ सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करती है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। शारीरिक स्वच्छता एवं मन की एकाग्रता से माँ की पूजा करने वाला दुख शोक से छुटकारा पाकर सुख एवं आरोग्यता को प्राप्त करता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति में हो जाता है। ये उपासक में नई चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कि कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। इस प्रकार बंधुओं, नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन माँ जगदम्बा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा कर कथा का श्रवण कर उन्हें केले व केसर मिश्रित खीर बनाकर भोग लगाएं और माँ का आशीर्वाद पाएं। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।